बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस सी फ्राइड चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको हम थोड़ा थोड़ा केएफसी और बेक के स्टाइल में बना के तैयार करेंगे और ये बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फूड इंजेक्टर में ऐड कर लेंगे चिली सॉस। हमें चिकन के अंदर जो है वो ये सॉस डालना है, इसके लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे सिंपल मेरे पास एक चिकन है जिसको इस तरह ब्रोस्ट साइज पीसेस में कट किया हुआ है, जिस तरह फ्राइड चिकन होती है। चिकन को हमें अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, इसको सिरके वाले पानी में रखना है ताकि इसकी स्मेल और अंदर जो भी ब्लड है वो निकल जाए। फिर हम चिकन में ऐड करेंगे पानी, इतना कि चिकन डिप हो जाए, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक, 2 टेबल स्पून सोया सॉस। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चिकन को नमक और सोया सॉस वाले पानी में डिप करके रखेंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हम इसको वॉश कर लेंगे और इसको एक छन्ने पे रखेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब हम चिकन में ऐड करेंगे इस तरह से चिली सॉस। इस तरह से क्या होगा कि अंदर से भी चिकन जो है वो स्पाइसी होगी। अच्छी क्वालिटी का चिली सॉस या फिर कोई भी हॉट सॉस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये स्टेप स्किप करना चाहें या फिर आपके पास फूड इंजेक्टर ना हो तो आप कोई मसला नहीं है, आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी चिकन बहुत ही अच्छी बनती है। तो इस तरह से मैंने तमाम चिकन पीसेस में हॉट सॉस ऐड कर लिया है। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे हम तकरीबन 3-4 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स करके चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे एक अंडा, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप दूध और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। साथ ही हम एक दूसरे बोल में ऐड करेंगे 2 कप मैदा। इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर और साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने चिकन पे मसाला लगाया था वो हम पहले ऐड करेंगे मैदे वाले मिक्सचर में और इस पर अच्छे से मैदे की कोटिंग कर लेंगे इस तरह। थोड़ा प्रेस करेंगे और फिर एक्स्ट्रा मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे। फिर हम इसको डिप करेंगे अंडे और दूध वाले मिक्सचर में इस तरह। फिर हम इसको डिप करेंगे वापस से मैदे वाले मिक्सचर में और इस पर अच्छे से हमें मैदा जो है वो लगा लेना है, अच्छे से इसकी कोटिंग कर लेनी है और इस तरह इसको हल्का सा हमें प्रेस भी करना है ताकि कोटिंग जो है वो चिपके। और फिर चिकन को इस तरह थोड़ा शेक करना है ताकि इसका एक्स्ट्रा मैदा जो है वो स्प्रिंकल हो जाए। अब हम चिकन को फ्राई कर लेंगे तो उसके लिए हम ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना फौरन से चिकन पे बाहर से कलर आ जाता है। 1 मिनट के लिए हम थोड़ा कोटिंग को पकने देंगे और जब कोटिंग थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी तो फिर हम चिकन को उसका थोड़ा हिलाएंगे सिंपल एक चॉपस्टिक की मदद से, ताकि ना हर तरफ से इक्वल कलर आए चिकन पे। और इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में हमें चॉपस्टिक जो है वो उसमें चलानी है और चिकन को यहाँ पे हमें टोटल 12 से 15 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो जी यहाँ पे चिकन जो फ्राई हो गई है तो हम इसको निकाल लेंगे और इस तरह से छन्ने पे रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो ड्रेन हो जाए। और ये देखिए बहुत ही डिलीशियस सी फ्राइड चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से हम बाकी के पीस भी फ्राई कर लेंगे चिकन के। तो जी देखिए बहुत ही डिलीशियस सी फ्राइड चिकन जो है वो तैयार हो गई है, खाने में बहुत ही मजेदार। आई होप आपको रेसिपी समझ आई होगी। तो बहुत ही जबरदस्त और डिलीशियस बनी है।
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।